आदाब नमस्कार, प्रबंध न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। गंगाखेड़ में मुफ्त आंख जांच और मोतिया बिंदु ऑपरेशन शिविर को मिला बड़ा प्रतिसाद। गंगाखेड़ में आज तारीख 27 अक्टूबर 2021 बुधवार के रोज राजेश्वर मंगल कार्यालय में लॉयंस क्लब गंगाखेड़ टाउन और संतोष भाव मुरकुटे मित्र मंडल इनके संयुक्त से स्वर्गीय शेषाबाई सीताराम मुंडे आर्ट्स कॉलेज के संकल्पना से मुफ्त आंख जांच और मोतिया बिंदु ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया था। 10 बजे से ही जरूरतमंद मरीजों ने आना शुरू किया। ये शिविर दोपहर 4 बजे के दरमियान तक चला, जिसमें सैकड़ों मरीजों ने इस शिविर का फायदा उठाया, जिसमें 55 मरीजों को मोतिया बिंदु ऑपरेशन की तुरंत जरूरत होने के कारण नांदेड़ स्थित लॉयंस नेत्रालय अस्पताल में रवाना किया गया। इस शिविर के लिए नांदेड़ से तज्ञ डॉक्टरों की टीम बुलाई गई थी। इस शिविर का उद्घाटन दीपक भाव मुरकुटो ने किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर अब्दुल अशफाक चाचा ये थे, तो प्रमुख अतिथि में ज्येष्ठ पत्रकार सुपेकर और अन्य मान्यगण मंच पर मौजूद थे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए संतोष भाव मुरकुटे मित्र मंडल के सैयद इस्माइल के साथ मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मेहनत ली। इस समय मान्यगणों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। गंगाखेड़ लॉयंस क्लब टाउन च्या वतीने गेल्या अनेक वर्षापासून गंगाखेड़ शहरामध्ये विविध उपक्रम राबवले जातात आणि या उपक्रमाच्या माध्यमातून असंख्य लोक लाभ घेतात। हा सार्वजनिक उपक्रम गेल्या अनेक वर्षापासून चालू असल्यामुळे लॉयंस क्लब टाउन गंगाखेड़ला सर्वच ठिकाणी या प्रतिसाद मिळत आहे। लॉयंस क्लब गंगाखेड़ और संतोष भाव मुरकुटे मित्र मंडल, इन दोनों के संयुक्त विद्वान से आज का ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें तकरीबन 200 लोगों ने अभी तक चेकिंग उनकी हो चुकी है। इसमें से डॉक्टर जिसको बताएंगे उन तमाम लोगों का ऑपरेशन इन दोनों के संयुक्त विद्वान से नांदेड़ में किया जाएगा। वो इनका रहना खाना लाना ले जाना ये सब यहाँ पर फ्री होगा। जिस तरीके से लॉयंस क्लब गंगाखेड़ में अपने उपक्रम अभी तक लगाते आए हैं, इसी तरीके से संतोष भाव जो पूरे ज़िले में नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा में इनकी हाथ मददी का लोगों से पहचाने जाते हैं। इसीलिए आज का ये प्रोग्राम आप खुद देख सकते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं और यही इसकी कामयाबी, इस प्रोग्राम के कामयाबी की जिंदा मिसाल है। मोती बिंदु शिबिर है लॉयंस क्लब गंगाखेड़ टाउन संतोष भाव मुरकुटे मित्र मंडल यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि कला शशाबाई कला महाविद्यालय यांच्या संकल्पनेतून तयार केलेला आहे आम्ही आजचा प्रोग्राम। आणि आजच्या प्रोग्राममध्ये जवळपास 200 ते जवळपास आता चेकिंगला आलेले आहेत पेशंट, आणि जेवढे निघतील त्या पेशंटला आज आणि उद्यासुद्धा गाडी येणार आहे। त्या 2 दिवसामध्ये जे जितके पेशंट पाठवता येईल तितके शक्य आम्ही पाठवणार आहोत। संतोष भाऊ मित्र मंडळ लॉयन्स क्लब गंगाखेड टाउन काही सौ शेषाबाई सीताराम मुंडे कला महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज मोफत नेत्र शस्त्रक्रिया शिबिर या ठिकाणी राबवण्यात आलं। त्या शिबिरामध्ये आता जवळपास तपासणी चालू आहे। आत्तापर्यंत 250 रुग्णांची तपासणी झालेली आहे आणि 20 रुग्ण हे जवळपास त्यांनी सिलेक्ट केलेले आहेत शस्त्रक्रियेसाठी, मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी। तर अशा प्रकारे गंगाखेड शहरामध्ये अनेक उपक्रम लॉयन्स क्लब हे राबवत आहे, त्यापैकी हा एक सर्वात मोठा उपक्रम आहे। त्याबद्दल मी परत सर्वांना शुभेच्छा देतो। गंगाखेड लॉयन्स क्लबची स्थापना 1997 झालेली आहे आणि तेव्हापासून आम्ही जनतेच्या सेवेसाठी विविध कार्यक्रम घेतो आणि आम्हाला आंतरराष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सुद्धा सन्मानित केलेलं आहे। आणि आता अतुल सेठ गंजेवार हे सध्याचे अध्यक्ष आहेत, त्यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध जनहिताचे कार्यक्रम आम्ही घेत आहोत, निसर्ग संवर्धनसुद्धा करत आहोत, वृक्षारोपण आहे, रुग्णांची सेवा आहे आणि त्याचबरोबर आजचा हा एकदम उत्स्फूर्तपणे सहभाग झालेल्या लोकांसाठी ज्यांची दृष्टी आम्हाला देण्याची एक संधी मिळत आहे, ज्यांची गेलेली आहे त्यांची आत्तापर्यंत जवळपास 200 जवळ पेशंटची नोंदणी झालेली आहे आणि 20 पेशंट्स ज्यांच्या नेत्राचं ऑपरेशन करायचं आहे असे ते तज्ज्ञांनी बाहेर काढलेले आहे, त्यांना ऑपरेशनसाठी पाठवायचं आहे। अच्छी तरह से रिस्पॉन्स मिला है। एक्चुअली जब लॉयंस क्लब गंगाखेड़ टाउन जब से शुरू हुआ है, एक अलग से ब्रांड शुरू हुआ है, जब से हम एक सोशलाइज काम करते हैं और हर महीना हम मोफत नेत्रबिंदु शिविर हो या ब्लड डोनेट का कैंप हो या गरीबों में शाल बांटना हो या वृक्षारोपण, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। ये एक्चुअली मोफत नेत्र शिविर का ये हमारा 3रा प्रोग्राम है। इसके पहले तो हमने गीता मंडल में किया, वहाँ पर हमने 32 रोग्स जो 32 लोग यहाँ पर जो डिडक्ट हुए थे वो तो नांदेड़ को लेके जाके उनको ऑपरेट भी किया है, जो कि अच्छी तरह से आज देख पा रहे हैं, जो कि लायंस क्लब गंगाखेड़ टाउन की वजह से। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।
नांदेड़ जिले के देगलूर बिलोली विधानसभा मतदार संघ चुनाव के में कांग्रेस आए महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जितेश अंतापुरकर इनके प्रचार के लिए महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात के साथ ऊर्जा मंत्री नितिन जी राउत इनके साथ गांव-गांव जाकर मतदाताओं से मुलाकात करते हुए प्रचार रैली की जा रही है। इस समय पूर्व मंत्री एवं मराठवाड़े कार्याध्यक्ष बसवराज पाटिल, कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष बाळासाहेब देशमुख, विधायक एवं मशहूर गीतकार अनिरुद्ध बनकर, सो मिनलताई खतगावकर, पूर्व विधायक हनुमंतराव पाटिल मोगरेकर, पूर्व विधायक अविनाश घाटे, पूर्व विधायक ओमजी पोखरना, बिस्ते यादव गंगाधर सौंदारे, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी विनायक देशमुख, रविंद्र दलवी, श्याम उमालकर, धनराज राठौड़, सचिन गुंजाल, प्रदेश कांग्रेस सरचिटनीस शौकत बेटगिरी आदि मौजूद थे। प्रवीण देशपांडे इनके मातोश्री, सो शोभा देशपांडे चांदवड़कर इनका निधन। परभणी स्थित गांधी पार्क के रहने वाले सो शोभा सूर्य प्रकाश देशपांडे चांदवड़कर इनका उम्र के 74 वर्ष में तारीख 27 अक्टूबर मंगलवार के रात 12:30 बजे के दरमियान दिल के दौरे से विकास नगर के घर में ही निधन हुआ है। इनके पश्चात पति सूर्य प्रकाश देशपांडे, लड़के जगदीश और प्रवीण देशपांडे, तीन लड़की, दामाद, तीन भाई, नाती पोती, ऐसा परिवार है। उनकी अंतिम यात्रा विकास नगर देशमुख होटल के करीब कारेगांव रोड, यहां से बुधवार के रोज सुबह 11 बजे अंत यात्रा निकलते हुए जिंतूर रोड स्थित धाम शमशान भूमि में अंत्य संस्कार किया गया। स्वर्गीय सो शोभा देशपांडे ये दैनिक पुढारी के जिला संवाददाता प्रवीण देशपांडे इनके मातुश्री थे। इस समय राजनीतिक, सामाजिक, डॉक्टर, पत्रकार बड़ी संख्या में हाजिर थे। रुग्ण हक संघर्ष समिति परभणी जिला कार्याध्यक्ष पद पर सुनील ढवळे इनकी नियुक्ति, तो तहसील कार्याध्यक्ष पद पर विठल नंद और बाळासाहेब सावने इनका परभणी तहसील सह कार्याध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है। आज तारीख 27 अक्टूबर 2021 बुधवार के रोज रुग्ण हक संघर्ष समिति जिला ऑफिस डॉक्टर अम्बेडकर नगर परभणी में सारंग साळवी इनके अध्यक्षता में नियुक्तियों का कार्यक्रम लिया गया। कार्यक्रम का प्रस्तावक दिलीप बनकर इन्होंने किया। इस समय समिति के प्रमुख एडवोकेट निलेश करमुड़ी, प्रदेश अध्यक्ष हनुमंत गोत्राल, डॉक्टर धर्मराज चौहान, प्रोफेसर यशवंत मकरन, सलीम इनामदार, हफीजुर रहमान, डॉक्टर सुनील यादव, राहुल धबाले, प्रमोद अंबोरे, सिद्धार्थ खिल्लारे, रमेश घनगाव, सैयद खदीर, हयूम बेग, मोहम्मद तनवीर, बाळासाहेब घीके, मिलिंद मस्के, संतोष खराटे आदि हाजिर थे। जिले के कुल 23 टीचरों को जिला स्तर का बेस्ट टीचर अवार्ड, तो 9 स्कूलों को आदर्श स्कूल पुरस्कार प्रदान। परभणी के भाग्य लक्ष्मी लॉन्स में तारीख 26 अक्टूबर 2021 मंगलवार के रोज आयोजित जिला स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक और आदर्श स्कूल पुरस्कार वितरण सम्मेलन किया गया। वर्ष 2020 के प्राइमरी और माध्यमिक ऐसे कुल 12 शिक्षकों को, तो उसी तरह वर्ष 2021 के प्राइमरी और माध्यमिक ऐसे 11 शिक्षकों को मिलाकर 23 टीचरों को बेस्ट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जिले के हर तहसील के एक स्कूल, ऐसे कुल 9 स्कूलों को आदर्श स्कूल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला परिषद अध्यक्ष निर्मलताई विटेकर यह थे। तो प्रमुख अतिथि में जिला परिषद सीईओ शिवानंद टाकसाले, एडिशनल सीईओ अजिंक्य पवार, जिला परिषद उपाध्यक्ष अजय चौधरी, दादा साहब टेंगसे के साथ भी जिला परिषद सभापति हाजिर थे। वर्ष 2020 के लिए हरी के विलास भालेराव, सेलू तहसील के रामा गायकवाड़, सोनपेट तहसील के बाळासाहेब गवाकमारे, पाथरी तहसील के अंसारी मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद अफसर, तो जिंतूर तहसील के दत्तराव गंगाराम पोले, मानो तहसील के रामराव सोलंके, पालम तहसील के लिए मोइन सैयद मीर, पूरा तहसील के लिए ओम प्रकाश धुड़शेटे, नगर तहसील के लिए राजू मुंडे, परभणी तहसील के बेग हुसैन इमाम, ऐसे कुल 3 माध्यमिक टीचरों के बेस्ट जिला स्तरीय टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वर्ष 2021 में परभणी तहसील के सतीश कुमार सातपुते, तो सेलू तहसील के लिए अशोक कुम्भार, सोनपेट तहसील से शेख सिकंदर बने साहब, पाथरी तहसील से भीमराव महीवाल, जिंतूर तहसील से शेख अब्दुल मजीद अब्दुल मोइनुद्दीन, मानव तहसील से मंजूषा मुंडे, पालम तहसील से विनायक पौड़, पूर्णा तहसील से राजू पांचाल, गंगाखेड़ तहसील से शिवाजी फल, ऐसे कुल 9 प्राइमरी टीचरों को बेस्ट अवार्ड जिला स्तरीय टीचर पुरस्कार से, तो पाथरी तहसील के मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद इब्राहिम, पूर्णा तहसील से प्रेमभद्र भावसार, ऐसे कुल 2 माध्यमिक टीचरों को बेस्ट जिला स्तरीय टीचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का प्रस्तावित प्राइमरी शिक्षा अधिकारी TS पोले ने किया, तो संचालन संतोष सेलूरकर ने किया, तो आभार माध्यमिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती आशा गरुड़ ने माना। दरगाह इलाके में मनपा की ओर से इब्बू भैया मित्र मंडल कार्यालय में वैक्सीन को मिला बड़ा प्रतिसाद। परभणी शहर महानगर पालिका स्वास्थ्य विभाग के पिछले कई दिनों से मनपा आयुक्त देवीदास पवार और उनकी टीम नागरिकों को वैक्सीन लेने के लिए प्रभाग निहाय जाकर जागृति करते हुए मेहनत ले रही है और मेहनत करती दिखाई दे रही है। आज तारीख 27 अक्टूबर 2021 बुधवार के रोज प्रभाग क्रमांक 12 के जमजम कॉलोनी में सैयद इब्राहिम इब्बू भैया मित्र मंडल जनसंपर्क कार्यालय में मुफ्त टीकाकरण का आयोजन किया गया। इस समय इब्बू मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष सैयद मुजम्मिल, इब्राहिम भाई समीर पटेल, गुड्डू भाई सैयद अतर, यासीन
खान, रशीद भाई और मित्र मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने हाजिर रहते हुए यहाँ के नागरिकों को डोर टू डोर जाकर इस बात का अवगत कराया और उनके साथ मनपा के मनपा प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी भी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहते हुए उन्होंने जाकर इस बात की जन जागृति करते हुए बड़े पैमाने पर यहाँ के महिलाओं ने और नागरिकों ने मित्र मंडल के कार्यालय में आकर वैक्सीन लिया। इससे एक बड़ा प्रतिसाद मिला हुआ दिखाई दे रहा है। महानगर पालिका की तरफ से आशा वर्कर अभी यहाँ पर जो इग्बू मित्र मंडल है यहाँ पर जमजम कॉलोनी एरिया वार्ड क्रमांक 12 में हम लोगों का आज कैंप रखा गया वैक्सीनेशन का, कोविड वैक्सीनेशन का यहाँ पर कैंप रखा गया। तो हम यहाँ पर हर एरिया में जाके हर गली गली में जाके यहाँ पर हर महिलाओं से हमने बात की। अभी तक इन लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं थी, पर हम लोगों ने आज गली गली में जाके हर महिलाओं से हर लेडीज से जाके हमने इनके घरों में जा जाके हमने इनसे बात करे तो कुछ लोग तैयार हो गए, इनके दिलों में क्या जो है जो डर निकल गया और ये चाहते कि आप वैक्सीनेशन लेना चाहते ये लोग। अब इनको मतलब असली असली मालूम हो गई कि भाई हम उनको हमने बोले कि भाई हमने भी लस लिए, फर्स्ट टाइम लस जो है तो हमने लिए, उसके बाद आप लोगों को हमने लस दिए। तो अभी हर वार्ड वार्ड में जाके हर वार्ड में एरिया में वैक्सीनेशन हो रहा था, पर आज जमजम कॉलोनी वार्ड क्रमांक 12 में इब्बू मित्र मंडल जो है तो यहाँ पर इब्बू मित्र मंडल जो यहाँ पर हम लोगों ने वैक्सीनेशन रखे थे यहाँ पर अच्छे से अच्छे तादाद में लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर बहुत सारे मोमेडियन लोगों ने भी लस लिए। और आज है तो आज मुझे लगा उनको देख के कि आज मोमेडियन लोगों के दिलों में से डर निकल गया, एक तरीके का डर निकल गया उनका और वो इसके आगे अब लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लस लेना नहीं चाहते थे, मगर आज हम उनके घर तक जाने के बाद हम उनके घर पे जाके समझाने के बाद वो लोग घर के बाहर निकले। और मुझे लगता कि जमजम कॉलोनी में इसके आगे भी और एक दो दिन वैक्सीनेशन रखना चाहिए। अभी मैं ये वार्ड क्रमांक 12 के जमजम कॉलोनी एरिया में जो आज हमारा वैक्सीनेशन अभी भी 10 बजे तक चालू है आज, और शायद ऐसा लगता मुझे कि कल भी चालू रहेगा यहाँ पर वैक्सीनेशन। तो मुझे लगता कि यहाँ के जमजम कॉलोनी के मतलब जैसा कि महिला स्त्री जो है यहाँ पर जो लोग है यहाँ पर उन लोगों ने वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और मैंने खुद वैक्सीनेशन ली वाला है, मुझे कुछ साइड इफेक्ट हुआ नहीं अभी तक। और ये लोगों को भी इस लस से कोवैक्सीन कोविशील्ड दोनों भी अगर रहे ना इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती और यहाँ पर यहाँ के लोगों को मैं जाहिर आह्वान देती हूँ मेरे महानगर पालिका की तरफ से और मेरे सिविल हॉस्पिटल की तरफ से। मैं इन लोगों को वार्ड क्रमांक 12 के जमजम कॉलोनी के सब लोगों को मेरे तरफ से जाहिर आह्वान है कि ये लोगों ने आए और यहाँ पर अब्बू मित्र मंडल जो है इब्बू मित्र मंडल जो है यहाँ आके उन्होंने वैक्सीनेशन लेना चाहिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर इंजेक्शन लेने के बाद क्या है, एक पैरासिटामोल गोली खा लेने का है, पैरासिटामोल गोली खाने से कोई बुखार कोई सर्दी कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ये वार्ड क्रमांक 12 के जमजम कॉलोनी के सभी लोगों से इतनी गुजारिश करती हूँ कि वो लोगों ने यहाँ पर आए और वैक्सीनेशन लिया। महाविकास आघाड़ी सरकार को छात्राओं की समस्याओं को कोई लेना देना नहीं, सरकार अपनी ही रोटी सेकने का काम कर रही है, लेकिन हम छात्रों का नुकसान नहीं होने देंगे। छात्र जब भी पुकारेंगे उनकी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरकर संघर्ष के लिए तैयार है, ऐसा भरोसा भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेघना दीदी बोर्डीकर इन्होंने छात्राओं को दिलाया। प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर छात्रों के आंदोलन को विधायक मेघना बोर्डीकर ने समर्थन दिया। प्रतियोगिता परीक्षा छात्राओं ने आंदोलन तारीख 27 अक्टूबर 2021 बुधवार के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने के मैदान में प्रोफेसर विठल कांगने इनके किए हुए अपील पर कई छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर ये एडवोकेट अमोल गिराम, आकाश लोहट, शिवाजी शेड़के, देवत लाटे के साथ बड़ी संख्या में छात्र हाजिर रहे थे। परभनी के कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री इन्हें प्रतियोगिता परीक्षा छात्राओं के विविध मांगों का निवेदन दिया गया। दोन वर्ष झाले एमपीएससी ला अध्यक्ष या सरकारने ठरवलं नाही, पण आपले विरोधी पक्ष नेते सक्षम विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आवाज उठवला आणि मग त्यांना एमपीएससी अध्यक्ष नेमावं लागला। सगळं काही जागा करून द्यायचं काम सक्षमपणे आमचे नेते देवेंद्र फडणवीस साहेब करताय आणि प्रामाणिक कुठल्याही भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याचा प्रामाणिक हेतू असतो की आपल्या जनतेचा जनतेला कसलाही त्रास झाला नाही पाहिजे। आता राजकारण आहे म्हणून कुठल्या तरी पक्षाचं आपल्याला प्रतिनिधित्व करावं लागतं, पण या ठिकाणी मी ह्या माझ्या परभणी जिल्ह्यातल्या विद्यार्थ्यांच्या सोबत आहे हे सांगण्यासाठी मी या ठिकाणी आलेली आणि हे सरकार राजेश टोपे साहेबांनी दुसरे स्टेटमेंट देतात की पारदर्शी अशी
पुढची भरती घेऊ, पुढची घेऊ कधी येणार आहे, कधी आहे सुधारणार आहे. 31 तारखेला पण असलाच घोळ होणार आहे आणि किती आमच्या लेकरांचं नुकसान होणार आहे याची जाणीव यांना करून देण्यासाठी आज तुम्ही जे एकत्र आलेले आहे तुम्हाला पाठिंबा देण्यासाठी मी या ठिकाणी आलेले. राज्य परिवहन महामंडल के तहत एसटी कामगारों का संयुक्त कृति समिति के कामगारों ने अपने विविध मांगों के लिए राज्यव्यापी बेमुदत अनशन शुरू किया है. इसके तहत परभनी में तारीख 27 अक्टूबर 2021 के रोज एसटी कामगार अनशन पर बैठे हैं, जिसमें महंगाई भत्ता 28% दिया जाए, सालाना वेतन बढ़ोतरी 2% के बजाय 3% की जाए, घर किराया 7/14/21 के बजाय 8/16/24 मिलना चाहिए, हर माह नियमित तनख्वाह ठहरे हुए तारीख पर दिए जाए, त्योहार को उठाए जाने वाली रकम सरकारी कर्मचारियों की तरह 12,500 रुपये दी जाए, महंगाई भत्ता, घर किराया भत्ता, उसी के साथ सालाना तनख्वाह बढ़ोती, दरों के रुकी हुई रकम एक रकमी दिवाली से पहले दी जाए. इन रुके हुए मांगों को लेकर महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल का संयुक्त कृति समिति के तहत कर्मचारियों ने राज्यव्यापी बेमुदत अनशन जारी किया है. इस आंदोलन में मनोहर गावंडे, गोविंद वैद्य, श्याम खत्री, महेंद्र बंसोड़े, संतोष हरकड़, दिगंबर दराड़े, देवीदास आगड़े, संतोष फलकवार, आकाश मुळे, जोड़पे अनिल, देवीदास जटाळे, संदीप बोराडे, पुरी महाराज के साथ बड़ी संख्या में कामगार हाजिर दिखाई दिए. न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूले. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट.